Hello everyone, Namaste, Adav and Sasriyakal. Welcome to my channel. Today's video contains some tricks and some tips about fitness plan, that is total fitness plan. What are the myths that confuse us and what are the facts that you do not know about our food habit and our exercise regimen. So, आज के वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को यही बताने वाली हूँ कि टोटल फिटनेस प्लान पूरा लाइफ टाइम के लिए कैसे अचीव किया जाए और विदाउट एनी लॉस ऑल्सो. आप कुछ भी लॉस नहीं करेंगे, ओनली गेन. और जो भी आप चाहे वो खा सकते हैं. दैट डजंट मीन यू विल हैव योर फर्स्ट फूड ऑलवेज, नो. जैसे ही वीडियो आगे बढ़ता जाएगा तो आप लोगों को पता चलता जाएगा कि आपको डेली बेसिस में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या आपको अवॉइड करना है, एक्सरसाइज कौन से बेसिस पे करना है, कितना टाइम करना है, वीकली कितना टाइम करना है, डेली कितना टाइम करना है, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ. लेकिन ये वीडियो का खासियत यही रहेगा कि आप अपना फर्स्ट फूड भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन टाइमिंग आपको पता होना चाहिए कौन से टाइम में और कितना पोर्शन आपको खाना है. और इसके बेसिस पे आप अपना फिटनेस प्लान को भी अचीव कर सकते हैं, पूरे लाइफ हेल्दी भी रह सकते हैं और उसके साथ अपना जो चटपटा खाना और फास्ट फूड है वो भी एंजॉय कर सकते हैं. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ शेयर योर कमेंट्स विथ मी अबाउट दिस वीडियो. एंड यू वॉन्ट एनी काइंड ऑफ वीडियो रिगार्डिंग फिटनेस प्लान, देन ऑल्सो यू कैन कमेंट मी एंड आई विल श्योरली मेक दोज काइंड ऑफ वीडियोज. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. और जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो मेरे 2 महीने के रिसर्च के बाद निकला है. और मैंने 3 फिटनेस के बुक्स पढ़े हैं, फूड्स के बुक्स पढ़े हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँगी. और मे बी मैं अपना और एक वीडियो बना सकती हूँ जिसके ऊपर मैं उन बुक्स के बारे में आपसे बात करूँगी. फिलहाल इस वीडियो में हम सिर्फ ट्रिक्स एंड टिप्स जानते हैं. Do not start your day with tea or coffee, whether it may be green tea, black tea, with sugar, without sugar, it doesn't matter. But you shouldn't start with your day with tea or coffee. हमेशा अपना डे की शुरुआत 1 glass of normal water से कीजिए, क्योंकि ये आपके बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है with 7 to 8 hours of fasting के बाद. और उसके 10-15 मिनट बाद आप कोई भी एक फ्रूट खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, बनाना खा सकते हैं या फिर कोई लोकल फ्रूट. बनाना इज़ द बेस्ट ऑप्शन. और मे बी यू कैन हैव सम आलमंड्स, सोक आलमंड्स ओवर नाइट, 4 to 5 आलमंड्स. इट इज़ ऑल्सो बेस्ट ऑप्शन टू स्टार्ट योर डे. सेकेंडली आप एक्सरसाइज कीजिए. जैसे कि आपको मेरे प्रीवियस वीडियो से पता है कि डेली आपको 30 मिनट्स तो मिनिमम एक्सरसाइज करना ही चाहिए. और एक्सरसाइज डजंट मीन दैट यू विल वॉक. एक्सरसाइज आर दोज एक्टिविटीज व्हिच चैलेंज यू. और आप मॉर्निंग का भी नज़ारा देख सकते हैं, बहुत अच्छे से नेचर को एंजॉय भी कर सकते हैं आपकी एक्सरसाइज के थ्रू. तो डेली आप 30 मिनट्स का मिनिमम 5 days इन ए वीक एक्सरसाइज कीजिए. और वीकली हर पर्सन को 180 मिनट्स का एक्सरसाइज चाहिए. और आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, 20 to 40 मिनट्स इन ए वीक आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, या कोई भी एक्सरसाइज जो आपको बहुत ही अच्छा लगा अच्छा लगे वो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं. एंड वन डेली आपको करनी चाहिए सूर्य नमस्कार, जो कि 5 sets डेली. नॉट लाइक 20-25 रिपीटेशन बट यू आर नॉट डूइंग करेक्ट और बीच में कभी छोड़ दिए, ऐसा नहीं. डेली 5 रिपीटेशन इज मैक्सिमम टू गो फॉर 20-30 years. तीन टाइम आता है मॉर्निंग के सेकेंड मील की, जो कि है ब्रेकफास्ट. इसमें आप कोई भी होममेड फूड ले सकते हैं, उपमा ले सकते हैं, चटनी, पोहा, इडली, डोसा और कुछ भी जो भी होममेड हो वो आप खा सकते हैं. और वेरिएशन करके आप खाना चाहिए फूड को. पोहा तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, उपमा भी आपको फीलिंग. अगर आप वर्किंग है देन डू एक्टिविटीज़ थ्रू आउट द डे इन द ऑफिस. सीट लेस, मूव योर बॉडी मोर. एवरी 30 मिनट्स ऑफ सीटिंग फॉलो ए 3 मिनट्स ऑफ वॉकिंग. सो एन्जॉय योर ऑफिस टाइम विथ योर कॉलीग्स, योर बस एज वेल. नेक्स्ट आता है आपका मिड मॉर्निंग का स्नैक 11 to 11:30 के अराउंड. इस टाइम में आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, लोकल और सीजनल फ्रूट, या फिर आप दही ले सकते हैं विदाउट स्वीटन वाला दही, वो भी बेस्ट ऑप्शन होता है मिड मॉर्निंग के लिए.
नेक्स्ट आता है आपका लंच, जो आपको 1 to 2 o'clock के बीच में करना चाहिए, और इस पर बस आप होममेड का फूड ही लीजिए। कुछ वेरिएशन में आपको मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर, ये मेरा लंच बॉक्स है, उसके साथ में कुछ और ऑप्शन जैसे कि यहाँ पिक्चर पर आप देख सकते हैं वो आप ले सकते हैं। बट लिसनिंग टू योर सेल्फ हाउ मच यू नीड टू ईट, पोर्शन कंट्रोल इज़ द ओनली की एंड दैट शुड बी डन बाई योर स्टोमक ओनली। एंड ऑलवेज विजुअलाइज योर प्लेट, टेक हाफ ऑफ द प्लेट एंड टेक डबल टाइम, एंड इफ स्टिल यू आर हंग्री देन रिपीट द प्रीवियस 3 steps कंटिन्यूसली। नेक्स्ट आता है आपका इवनिंग के स्नैक्स के बारे में, जो कि आपको 4 to 6 PM के विदिन लेना है, और आपको होलसम मील की ज़रूरत है। हैंडफुल ऑफ पीनट्स और चना ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने पीनट और जागरी का बॉल लिया है। और उसके बाद आप वेरिएशन में चपाती, जागरी और घी ले सकते हैं, उपमा, इडली, डोसा, सैंडविच, स्प्राउट्स, एनी काइंड ऑफ फ्रूट। फीलिंग होना चाहिए जो कि आपको फास्ट फूड से और ऑयली फूड से दूर रख सकेगा, ऐसा ही फूड आपको लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपके डिनर के बारी, और डिनर में हमेशा आपको लेने चाहिए दाल और चावल विथ 1 tablespoon ऑफ घी। और यहाँ पर मैं अपना डिनर दिखा रही हूँ, देखिए आप मेरे चावल के ऊपर बहुत से घी है 1 tablespoon, और उसके साथ आप दाल लीजिए, ओनियन, लेमन, चिली और एक भाजी भी है, आपको जो भी अच्छा लगे आप डिनर में ले सकते हैं। पर ये एक होलसम मील होना चाहिए जो आपको फीलिंग रखे 7 to 8 hours के लिए, और बहुत अच्छा न्यूट्रिशन पैक भी दे। ट्रिक नंबर 1, यूज़ घी इन ईच मेन मील 1 tablespoon एट लीस्ट, एंड विजुअलाइज योर पेट, टेक हाफ ऑफ द प्लेट टेक एंड टेक द डबल टाइम टू कंज्यूम इट। नेक्स्ट वन इज ऑलवेज यूज आयरन यूटेंसिल्स, डू नॉट माइक्रोवेव द फूड, यूज द आयरन यूटेंसिल्स टू प्रिपेयर इट एंड हीट इट ऑल्सो, एंड ऑलवेज अवॉइड गैजेट्स ड्यूरिंग योर मील टाइम, जस्ट इंजॉय ईच बाइट ऑफ योर फूड, एंड 30 minutes बिफोर योर बेड डू नॉट यूज एनी गैजेट, नो टीवी, नो मोबाइल फोन्स। Add 3 essential fats in your diet, bring back tadka in your food in traditional oil, bring back coconut for garnishing laddu chutney, add cashews in your daily diet either midday meal or soaked in the milk and half the milk before sleep in the night. So these will provide all nutrition to your body and you also enjoy the food by this meal. Food, deep fried food, those are my favorites also. You can have your samosa, pakoras and bhaji, mithai, laddu, pastries, cakes, chocolates, cookies, pizza, everything, but it should be in a limited way. You can have it once in a week and each bite at a time if you are exercising in the correct way and eating all 6 days in the good kind of food, then you can have it once in a week and at most one portion at a time, so that you can enjoy your food also and you can have all the nutrition with that fast foods also. These are the 4 golden rules to stay healthy, fit and also lose weight, and you can have your cheat meals also. So remember that timing and the portion is the key to become healthy, fit and lose weight.